वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे में बड़ा दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुंबद की तरफ एक दीवार पर हिंदू परंपरा के आकार दिखे हैं। इसे सफेद चूने से रंगा गया है। दावा किया जा रहा है कि ये मूर्तियों के भग्नावशेष हैं। लिंगायत समाज में काशी में लिंग दान का प्रचलन है। तहखाने में उस परंपरा के टूटे लिंग मिले हैं। सर्वे की टीम ने भी प्रतीक चिन्ह का जिक्र किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आज दूसरा दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की शुरुआत 8 बजे हुई। मस्जिद के अंदर सर्वे करने गई टीम को 7 से 8 फीट का हिंदू परंपरा का आकार दिखा है। ये सफेद पेंट से ढका हुआ है। जानकारी के मुताबिक मलबे को हटाया जाएगा और उसके बाद इसकी जांच की जाएगी। सर्वे की टीम ने प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया है। बता दें कि आज मस्जिद की छत और गुंबद की वीडियोग्राफी हो सकती है। ये सर्वे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया। सर्वे का 50% काम पूरा हो चुका है। 17 मई को अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले सर्वे के पहले दिन ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर 5 तहखानों की वीडियोग्राफी की गई। सर्वे में दोनों पक्षों ने सहयोग किया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा कि सभी साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि तहखानों में मूर्तियों के भग्नावशेष मिले हैं। तहखाने में शरारती तत्वों ने मिट्टी भर दी थी, उसे साफ किया गया है। लिंगायत समाज में काशी में लिंग दान का प्रचलन है। तहखाने में उस परंपरा के टूटे लिंग भी मिले हैं। आज हो रहे सर्वे पर वाराणसी के DCP RS गौतम ने कहा कि काशी विश्वनाथ दर्शन करने वालों के लिए एक गेट छोड़कर सभी गेट खोले गए हैं। सिर्फ एक गेट से सर्वे टीम को एंट्री दी गई है। उन्होंने कहा कि आज सभी के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। दर्शनार्थियों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए सारे मार्ग खोले गए हैं और उनमें पर्याप्त ड्यूटी भी लगाई गई है। बता दें कि 14 मई को मस्जिद के तहखाने के 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ। सर्वे के बाद बाहर निकले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि वहाँ कल्पना से बहुत कुछ ज़्यादा है। बिसेन ने कहा कि कुछ ताले खोले गए हैं, कुछ ताले तोड़ने पड़े। सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी बातें मीडिया में नहीं बता सकते। सर्वे के बाद मस्जिद परिसर से बाहर निकले वकीलों ने कहा कि 4 घंटे तक ये कार्रवाई चली। वकीलों ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। न्यायालय का आदेश है कि जो कोई भी कार्रवाई को लेकर बाहर कुछ लीक करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।